नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हरमू स्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान निर्माण कर देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। समाज में व्याप्त जाति पाति छुआछूत भेदभाव को विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से समाप्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी समुदाय पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ओबीसी समुदाय के हक के लिए संविधान में 340 अनुच्छेद बनाकर विशेष अधिकार का प्रावधान किया था, परंतु अफसोस है कि आजादी से अब तक उसका अनुपालन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। इंद्रदेव मंडल जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। देश के संपूर्ण महिला को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाकर महिलाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। शत्रुघ्न रॉय ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने का काम किया है। कार्यक्रम कोरोना विषाणु को देखते हुए मानक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम को संपन्न किया गया। विश्व के छठा विद्वान और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्यालय में सादे समारोह में मनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे महामानव क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने बिना खून खराबे के देश में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। ये बातें विश्व में भी मानी जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को ही दूर नहीं किया, शास्त्रों में महिलाओं का स्थान काफी निम्न दिया गया था जिससे पुरुष के बराबरी का दर्जा डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर देश के संपूर्ण महिलाओं को शिक्षा रोजगार राजनीति आदि में धन संपत्ति में हक अधिकार दिलाने का काम हिंदू कोड बिल के माध्यम से किया है। उस दिनों जब यह बिल लाया गया था दैखानुषी और धर्म भीरू लोगों ने इस बिल का व्यापक विरोध किया था। आज दुर्गामी परिणाम देखा जा रहा है। अगर वो हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता तो देश की महिलाएं जो आईएएस आईपीएस चाहे विभिन्न पदों पे राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या सेना में या किसी भी क्षेत्रों में जो जा रही हैं, ये हिंदू कोड बिल के कारण ही जा रही हैं। धन्यवाद।